और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राकेश टिकैत ने किसानों के लिए वीडियो जारी किया है। राकेश टिकैत ने भीड़ जुटाने के लिए नया तरीका अब अजमाया है। गाजीपुर पहुंचा, अब टेंटों में लगेंगे एसी, ये बड़ा ऐलान राकेश टिकैत की तरफ से। राकेश टिकैत ने कहा, अगर बिजली नहीं दी तो जनरेटर से काम चलाएंगे, टिकैत का ऐलान। ये आंदोलन अभी लंबा चलेगा, तो टिकैत ने भीड़ जुटाने के लिए अब ये नया तरीका अपनाया है। लोग लगातार बॉर्डर छोड़कर वापस जा रहे हैं और टिकैत उन्हें वापस आने के लिए लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए कहा है कि एसी लगेगा बॉर्डर पर। कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वे गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दें कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा, गर्मी का आ गया सौदा, ये रहा, ठीक है, ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया और वो अब तक वो पड़ा हुआ है पूरा, वो सर्दी का है ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर और एसी भी लगेंगे एसी। और ये तीन तस्वीरें देख रहे हैं आप अपनी स्क्रीन पर, खाली हो रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर, हताश और हैरान दिख रहे हैं टिकैत, किसानों को ललचा रहे हैं टिकैत। तो ये तीन तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है किसान आंदोलन में। जो बॉर्डर है वो खाली हो रहे हैं, लोग अपने घरों की तरफ वापस लौट रहे हैं, और इस बात को लेकर टिकैत हताश और हैरान हो चुके हैं, और अब वो लालच दे रहे हैं किसानों को। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने खाप नेताओं से मुलाकात की है। देशपाल खाप के चौधरी राजेंद्र सिंह की आवाज पर यह अहम मुलाकात हुई। खाप नेताओं से कृषि कानूनों के मुद्दे पर हुई चर्चा। शनिवार रात मुजफ्फरनगर के शाहपुर पहुंचे संजीव बालियान, बालियान के साथ भूपेंद्र सिंह और कई बड़े नेता मौजूद थे। और एक और बड़ी खबर चुकी आ रही है, लाल किला हिंसा में दिल्ली पुलिस ने जारी की 20 और तस्वीरें। पहले दिल्ली पुलिस ने 25 आरोपियों की पहचान की थी, 200 से अधिक वीडियो फुटेज देखने के बाद मिली कामयाबी। बता दें आपको कि सोशल मीडिया के जरिए अब तक 1500 से ज्यादा वीडियो मिल चुके हैं। लाल किला हिंसा मामले में अब तक 120 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, और अब 20 और तस्वीरें जारी की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। लाल किला हिंसा मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है, और अब 20 नई तस्वीरें। प्रदर्शनकारी किसानों से आज सीएम केजरीवाल मिलेंगे, इस वक्त की एक और बड़ी खबर। दिल्ली विधानसभा में किसानों से केजरीवाल करेंगे बातचीत, किसानों की समस्याओं को लेकर होगी बातचीत। बैठक में कई किसान नेता भी शामिल होंगे। किसान नेताओं के साथ अरविंद केजरीवाल दोपहर खाना भी खाएंगे। तो एक तरफ लगातार जो आंदोलन है उसे भड़काते हुए राकेश टिकैत नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए अब आम आदमी पार्टी किस तरीके से अब इसी आंदोलन के बहाने अपनी सियासत चमकाने में जुटी हुई है, और आज अरविंद केजरीवाल इन प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, दिल्ली में आज बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होनी है। पीएम मोदी बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे, और इस बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। दिल्ली में आज मिशन बंगाल को लेकर बनेगी रणनीति। मीटिंग सुबह 11 बजे एनडीएमसी सेंटर में शुरू होगी। तो मिशन बंगाल को लेकर बनेगी रणनीति, और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसमें मौजूद रहेंगे। बंगाल फतह करने के लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। एक और बड़ी खबर, यूपी के सीएम योगी का एक दिवसीय केरल दौरा। सीएम योगी आदित्यनाथ परिवर्तन यात्रा में होंगे शामिल। सीएम योगी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का पूरी तरीके से फोकस है, और इसी के तहत देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अब ये एक दिवसीय दौरे पर है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा चुनाव पर बीजेपी का फोकस रहेगा।